दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल्ली जो इतिहास की निशानी है, उस दिल्ली की क्या है कहानी, सुनाएंगे दिल्ली की जुबानी, पांच साल दिल्ली का हाल, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज, मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। बात करेंगे शकुर बस्ती विधानसभा क्षेत्र की, जहां आपकी सरकार है लेकिन वहीं कांग्रेस भी तीन बार इस सीट पर अपना सिक्का जमा चुकी है। ऐसे में इस सीट को लेकर, यहाँ पर किए गए विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस क्या कुछ सोचती है, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैडम बहुत बढ़िया विकास हुआ है, आएगा वही केजरीवाल जी माफ हो गया, जहाँ 5,000 आते थे 20 रुपए का बिल आया। बहुत बढ़िया विकास किया केजरीवाल सरकार, पानी ठीक है मीठा आ रहा है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, आप पार्टी के समय के अंदर 5 साल के टेंडर में दिल्ली में बहुत बड़ा विकास हुआ है, और वो विकास हुआ है कि दिल्ली के अंदर जो झूठ बोलने का एक तरीका है उसका विकास, एक नया कल्चर आया है। आज दिल्ली के अंदर सरकारें जो जवाब दे थी, जवाबदेही से हटके आज मैं बताना चाहता हूँ किस तरह से दिल्ली के अंदर झूठ बोलने का एक नया एक रिवाज आया है, जिस रिवाज के अंदर आप देखिए, इस केजरीवाल साहब ने जब ये दिल्ली के अंदर इन्होंने आंदोलन किया, इन्होंने कहा भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली होगी। आप मुझे बताइए कि कोई एक फील्ड ऐसा हो जहाँ पर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया हो। इन्होंने कहा था इफेक्टिव लोकपाल देंगे, आप मुझे बता दीजिए वो कहाँ है लोकपाल, कितने लोगों के खिलाफ, कितने अधिकारियों के खिलाफ लोकपाल ने मुकदमा दर्ज किया, मैं पूछना चाहता हूं। उसके अलावा आप आगे बढ़े, इन्होंने वादा किया था कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला समिति होगी, तमाम क्षेत्र की RWAs को ये फंड दिया जाएगा कि वो अपने एरिया के अंदर अपने हिसाब से डेवलपमेंट करें। आप देखिए ये सड़कें हैं मुखर्जी नगर की, क्या हालात हैं आप यहाँ पर चेक करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई फ़ंड नीचे तक पहुँचा नहीं। इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में वाईफाई लगाएंगे, इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा करेंगे, इन्होंने कहा था, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, किया है, मगर इन्होंने डेवलपमेंट किया है सांकेतिक डेवलपमेंट। इन्होंने सिर्फ जहां इन्होंने कहा था 11 लाख CCTV लगाएंगे, मैं इनको चैलेंज करना चाहता हूं, 1 लाख कैमरे लगे हैं, उन कैमरों में से भी कुल 20 से 30 हज़ार चल रहे हैं, 80 हज़ार के बिल पास हो गए हैं, और 15 लाख कैमरे की इन्होंने वादा किया था, कहाँ है 15 लाख कैमरे। आज आप दिल्ली की सड़क पर निकल जाएं, शीला दीक्षित जी 5 साल का एग्रीमेंट करके गई थी सड़कों का कि अगर कोई भी सड़क टूटेगी तो उसका पेमेंट वो जिसने कॉन्ट्रैक्टर है उसी को देना पड़ेगा, मगर 1 रुपया अगर PWD में केजरीवाल साहब ने लगाया हो, एक दिल्ली में नया फ्लाईओवर लगाया हो। दिल्ली के अंदर इन्होंने वादा किया था कि हमारा चुनाव चिन्ह है झाड़ू, और झाड़ू के अंदर इन्होंने कहा था कि वाल्मीकि समाज के जितने हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन सफाई कर्मचारियों को सबसे पहले दिल्ली के अंदर हम रेगुलर करेंगे। मैं आपको जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर अगर एक सफाई कर्मचारी इन्होंने रेगुलर किया हो तो मैं आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि हॉस्पिटलों के अंदर जो लेबर काम कर रही है उस जितने हमारा स्टाफ है हॉस्पिटल्स का उनको रेगुलर करेंगे, आज एक भी रेगुलर नहीं किया है, 40,000 से ज़्यादा लोग हैं। ये दिल्ली के अंदर झूठ बोलने का कल्चर, इसका डेवलपमेंट जरूर किया है इन्होंने, विकास ही विकास हुआ है। और जो अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ बोल रहे थे कि काम नहीं हुआ है, अगर सरकार अगर आई है ना तो भ्रष्टाचार के ऊपर ही आई है। वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे कि मैं सुन रहा था पूरी देर से कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, अगर भ्रष्टाचार ना होता तो सरकार ही ना होती, और भ्रष्टाचार के अगेंस्ट ही सरकार आई है। शीला जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन किस 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 बेस पे किए हैं और किस किस कीमत पे किए हैं। भ्रष्टाचार तो हर सरकार करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि नींव कांग्रेस ने रखी है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं, हम जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भ्रष्टाचार की जो नींव रखी गई है कांग्रेस ने रखी है। अगर आज वो भ्रष्टाचार इस तरह चरम सीमा पर है तो भ्रष्टाचार कांग्रेस की ही देने, अगर वो भाई भतीजाबाद और क्या कहते अपना वाद ना चलाते तो शायद ये भ्रष्टाचार ना ही भ्रष्टाचार ना होता, और दूसरा यूरोप कंट्री की तरह हमारा भ्रष्टाचार के नाम पर पता भी चलता कि भ्रष्टाचार होता है। विकास के बारे में बताइए, क्या विकास हुआ दिल्ली में, थोड़ा सा हमें गिनवाएं आप। हाँ, विकास हर क्षेत्र में विकास हुआ है। अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा में जाइए, 500 कॉलेज की बात करी थी, हमारे पास जगह नहीं थी, लेकिन जगह के नाम पर अब जहाँ पर हमारा स्कूल कॉलेज था उस कॉलेज पे ही हम लोगों ने क्या कहते हैं रूम बनाए हैं, और 20,000 के करीब रूम बने हैं जो 500 उसके बराबर होता है। और भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ पर क्या कहते हैं कॉलेज नहीं खुले हैं, 2 कॉलेज भी खुले हैं और 2 मेडिकल कॉलेज भी खुले हैं यहाँ पर। अगर आपको बताऊँ मैं आपको, एक तो हमारा अम्बेडकर कॉलेज जो बना है, और दूसरा क्या कहते हैं कि यहाँ पर रोहिणी में ही सेक्टर 13 में एक हमारा कॉलेज बना है, मेरे को याद आ रहा है कॉलेज का नाम है,
कॉलेज का नाम है कॉमर्शल कॉमर्स कॉलेज करके कुछ करके कॉलेज है, हरदेव नाम के नाम से है शायद। बनना स्टार्ट हो गया? बिल्कुल बनने स्टार्ट हो गया और चल भी रहा है, चल रहा है। और किस क्षेत्र में की बात कर रहे हैं? अगर हम आप बात करें अपने हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में इन्होंने एक जगह ही नहीं दी है। अगर जगह देते तो शायद मेरे ख्याल से जो 100 की बात करें 200 बनने चाहिए थे, और केजरीवाल जी ने नेक नियति से काम किया है। और हर क्षेत्र में किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और नुक्कड़ हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात हुई थी। आपको पता है कि पिछले जिस तरह से एलजी साहब से जो हमारा कंट्रैक्शन हुआ है उसमें हमने इतना काम किया है, और भी हम धरना प्रदर्शन भी देना पड़ा हमें, तब जाके हमारी फाइलें बाकी हुई है। पिछले 1.5 साल से कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि इससे दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें आदेश दिया कि भैया आपको कोई एलजी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो आज आज जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जितना विकास हुआ है बहुत अच्छे से विकास चल रहा है। शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इस इलाके को 1972 में विधानसभा क्षेत्र घोषित किया गया। तब यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी के श्रीचंद ने भारतीय जनसंघ के नेता बनारसी दास को हराया और विधायक बने। वर्तमान में यहाँ से आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र कुमार जैन विधायक है। वो यहां से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां से 3 बार, बीजेपी और आप 2-2 बार चुनाव जीती है। वहीं जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने 1-1 बार ये सीट अपने नाम की है। यहां से सबसे ज्यादा 5 बार बीजेपी दूसरे स्थान पर आने वाली पार्टी रही। ये क्षेत्र दीपाली सरस्वती विहार से पश्चिम विहार तक फैला है। इस क्षेत्र में पश्चिम विहार, पीतमपुरा, ऋषि नगर, संत नगर के इलाके आते हैं। इस क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम के 4 वार्ड शामिल हैं। हमारे खास कार्यक्रम 5 सालों में कितनी बदली दिल्ली में आप सभी का स्वागत है, और इस समय हमारे साथ मौजूद है गौतम पुपनेजा जी जो कांग्रेस नेता है। चलिए इनसे जानते हैं कि इन 5 सालों में इनके क्षेत्र में कितना हुआ विकास। सर बताएं आपके क्षेत्र में इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है? मैं शकूर बस्ती विधानसभा से यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ और 14 साल से मैं राजनीति में हूँ। हमारी विधानसभा में जब तक कांग्रेस थी दिल्ली सरकार में, इतना विकास हुआ, सड़कें बनी, नालियाँ बनी, और कांग्रेस ने पेंशन शुरू करी। जब से दिल्ली में केजरीवाल सरकार आई है कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ झूठे वादे जुमले और झूठे वादे करके बरगलाना पब्लिक को। 5 लाख रुपये का 1 क्लासरूम बनता है, 25 लाख रुपये की उसकी कॉस्ट आती है, और जितने एलिवेटेड रोड बने दिल्ली के अंदर, इन एलिवेटेड रोड पे कॉरिडोर बनाया जाना था जिससे कि हम अगर चाहें तो हम 1 किलोमीटर के बाद उतर के अब दूसरे रास्ते पे हम जा सकें, बट वो कॉरिडोर ना बनवा करके उसे सीधा सीधा शुरू कर दिया गया, और उससे कहते हैं कि हमने पैसे बचा लिए। एक RTI के द्वारा खुलासा हुआ था, वो कॉरिडोर की जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट बचा करके ये कहते हैं कि हमने उससे पैसे बचा लिए। झूठ बोलते हैं, कोई विकास नहीं करते, शिक्षा के नाम पर कोई विकास नहीं है, स्कूलों के नाम पर कोई विकास नहीं है, एक नया स्कूल नहीं दिया हमारे को, एक नया अस्पताल नहीं दिया, और कहते हैं 5 साल लगे रहो केजरीवाल। हम कहते हैं बहुत किया केजरीवाल, उल्टा काम, अब दिल्ली छोड़ के भागो केजरीवाल। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सुचित्रा यादव जी। चलिए इनसे बात करते हैं कि इनकी शकूर बस्ती विधानसभा है उसमें इन 5 सालों में कितना विकास हुआ, और साथ ही जानेंगे कि टिकट की रेस में ये अपने आप को कहाँ आंकती हैं। चलिए बात करते हैं। मैम आप बताइए कि आपके 5 सालों में आपकी जो विधानसभा है इसमें भी कितना विकास हुआ है? जी विकास तो आप खुद भी देख सकते हैं कि आप मार्केट से ही आए होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि सब जगह कूड़ों का ढेर पड़ा हुआ था जी। और हमारा पूरा देश अनएम्प्लॉयमेंट से तो गुजर ही रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी जो हो रही है वो पूरे देश में है और मार्केट में भी वो दिखती है, क्योंकि जो जब दुकानदारों के पास ग्राहक नहीं आता तो उनकी दुकान नहीं चलती है, तो इस वजह से उनको बहुत बड़ी परेशानी है। कूड़े के हर जगह ढेर पड़े हुए हैं, और पब्लिक कन्वीनियंस जैसी जो हमारे मतलब सब लोगों की एक बहुत पर्सनल, स्पेशली लेडीज़ की एक जो बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसके लिए अच्छे टॉयलेट्स नहीं बनाए गए हैं। तो ये एक है एक प्रॉब्लम जो अभी तक जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, और अगर आप पूरी जगह पे भी आप देख लीजिएगा पूरे एरिया में ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी हैं, तो इस जगह कोई विकास नहीं हुआ है। स्पेशली मुझे लगता है कि लेडीज़ को काफ़ी पीछे रखा गया है। पार्किंग देखो, पार्क में सब बहुत अच्छे से हो रहा है, झूले लगे हैं, हर चीज़ घास है, हरा रस बहुत अच्छा किया है, पानी है, बिजली है, अच्छा काम कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी हैं। हाँ जी, स्कूल, पढ़ाई, दवाइयाँ सब अच्छा है।
मैडम बहुत बढ़िया विकास हुआ है और केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम करा है। आने वाले 5 सालों में फिर इनको दोबारा आना चाहिए। आएगा ही वही केजरीवाल जी, केजरीवाल साहब ने इतना काम करा तो आएंगे आएंगे ना। हर पब्लिक उनको वोट देना चाहेंगे, जो बंदा काम करेगा उसी को पूछेंगे ना। ऐसा क्या खास किया है जो अब उनको? हमारे कॉलोनी के अंदर वो CCTV कैमरे लग गए हैं और लोहे की गेट लग रही है, सब कुछ कर दिया। बिजली बिल माफ़ हो गया, जहाँ 5,000 आते थे 20 रुपये का बिल आया। हाँ जी, तो बताओ कौन किसको वोट देगा, केजरीवाल को ही देगा सीधी सा। तो देखा आपने किस तरह से दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, किस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे के कामों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। क्या दिल्ली में एक बार फिर से आपकी सरकार बनेगी या BJP इस बार सत्ता पर काबिज हो पाएगी? या बात करें कांग्रेस की, जो अपनी खोई हुई जमीन को तलाश कर रही है, क्या अपनी जमीन को पा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमें चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद। तो इंतजार करना होगा वोटिंग का, इंतजार करना होगा चुनाव के नतीजों का, जिसके बाद तस्वीर हो जाएगी साफ कि आखिर दिल्ली के दिल में क्या है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहिए AP Star News। दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल्ली जो इतिहास की निशानी है, उस दिल्ली की क्या है कहानी, सुनाएंगे दिल्ली की जुबानी 5 साल दिल्ली का हाल, सिर्फ AP Star News पर।